मेरे साथ है राज्य के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी। वेलकम पेमा खांडू जी, आप लोअर दिबांग वैली में आज आए हैं। तो लोअर दिबांग वैली अपने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी जाना जाता है। अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इससे पहले ये हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। तो आज हम ज़्यादातर जितने भी हम बात करेंगे वो हम किसान के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आत्मनिर्भर बागवानी और कृषि योजना जो है वो लागू किया गया था। तो सबसे पहले जो सवाल है वो अरुणाचल किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर है। तो अभी तक इनका जो जो ये तो बहुत पहले से लागू हो गया है, तो इसका अपडेट अभी किस क्या है, रिसेंट अपडेट? आपने सही बोला है। आज मैं यहाँ पे टूरिंग में ईस्टर्न अरुणाचल में लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। और एक्चुअली अरुणाचल में जितने भी जो फुटहिल एरिया है वो अपना एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में काफ़ी अच्छा एटमोसफेयरिक कंडीशन और लैंड कंडीशन काफ़ी अच्छा है। और सरकार का भी काफ़ी फोकस है अभी अपना इस सेक्टर, दोनों सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स यहाँ पे चल रहा है। और जहाँ तक जो है किसान क्रेडिट कार्ड का हो गया और बाकी जितने भी जो है वो अलग अलग अपना जो क्षेत्र में सभी जो किसान का जो क्रेडिट कार्ड जो बनाना है उसका डिपार्टमेंट की ओर से सभी को इशू करना का काम, वो एग्जैक्ट नंबर तो फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, मगर बहुत पहले से ही ये तो पुराना एक फ्लैगशिप स्कीम है, तो ये इसमें काम बिल्कुल चल रहा है। अगर हम दूसरा जो सवाल है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हम अभी लोअर दिबांग वैली की ही अगर हम देखें तो इस बार जो जिंजर काफ़ी प्रोडक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे खरीदने के लिए कोई नहीं था या बेचने की जगह नहीं है इस पर। जहाँ तक MSP का जो सवाल है, इनफैक्ट अभी बोला जाने से अरुणाचल प्रदेश में एक्चुअली इन ए प्लान वे जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को लेके फोकस्ड वे में काम हो नहीं पाया, इसका बहुत सारा रीज़न है। एक तो हो गया कि हमारा अरुणाचल में कनेक्टिविटी का काफ़ी इश्यूज था, प्रॉब्लम था, और लोग भी पहले कल्टीवेशन में अपना सेल्फ सफिशिएंट के लिए, सेल्फ हाउसहोल्ड के लिए ही कल्टीवेट करता था। तो जैसे जैसे अभी कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क बन रहा है और सुविधा जो कम्युनिकेशन का सुविधा जो अभी बन के तैयार हो रहा है, अभी धीरे धीरे फार्मर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप में हो, अभी वो लोग थोड़ा बड़ा एरिया में लोग काम करना अभी शुरू हो गया है। सरकार का हमेशा यही प्रयास रहेगा और कि अपना मिनिमम जो प्राइस है वो फार्मर्स लोगों को मिले। इसके लिए ऑलरेडी हमने जो अपना एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का हमने निर्देश दिया हुआ है कि उसको मार्केट को अभी हम लोग को लेके फार्मर्स तक लेके पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। पहले बीच में तो शायद मिडिल ब्रोकर्स लोग को काफ़ी उसमें प्ले करता था, तो जो रेट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे अभी इसमें वन गो में तो सिस्टम को पूरा हम ठीक कर नहीं पाएंगे, मगर पूरा हम लोग कोशिश कर रहा है कि थ्रू आवर एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड उसका हम लोग अच्छे ढंग से चैनलाइज करने के लिए, और मार्केटिंग चैनल, हाँ एग्जैक्टली, जितने भी जो प्रोडक्ट्स का जो हमारा चाहे एक्सपोर्ट्स के लिए हो या बाकी राज्य में एक्सपोर्ट्स के लिए हो, तो इसमें अभी अपना फार्मिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और अपना जो टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अभी ये भी विचार किया हुआ है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी, ताकि उसमें थोड़ा सा फोकस जो है उसमें होके काम करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना स्ट्रेंथ हम लोग ने उसको ऑब्जर्व करके ऑलरेडी हम लोग ने लिस्टिंग भी कर दिया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, आपने अभी वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट कहा, तो लोअर दिबांग वैली में जो है वो जिंजर को चुना गया है। तो सुनने में आया है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को ये जिम्मेदारी जो है सौंपा गया है, लेकिन अभी तक जो काम है वो काफ़ी लेट से हो रहा है, क्योंकि जिंजर जो अगर हम बात करेंगे तो इस बार भाव बहुत कम था, तो अभी फार्मर कन्फ्यूज़ है कि वो कहाँ सेल करें। इसी लाइन में मैं अभी आपको जो थोड़ा देर पहले कहा कि जो हमारा मार्केटिंग जो बोर्ड है उसका थ्रू से हम लोग अभी आने वाला दिनों में चैनलाइज करके डायरेक्ट मार्केट में लेके जाना है या किसी इंडस्ट्री में भी लेके जाना है, तो उसको ऊपर में हम लोग टाई अप करके और डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स भी होता है, तो एक सिस्टम हम लोग बना के हम लोग आगे लेके जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहेगा, इसमें जैसे अपना फार्मर्स का एक ये चिंता भी होता है कि मार्केट नहीं है और प्राइस उनको सही नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा कंसर्न होता है। हाँ एग्जैक्टली, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बोलते हैं वो नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा एक उनका चिंता एक सवाल होता है अपने आप में।
तो अभी रिसेंटली हमने क्या किया कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिक लोकेशन जो है बॉर्डरिंग थ्री इंटरनेशनल कंट्रीज भूटान, तिब्बत, चाइना एंड म्यांमार, इसमें आप अगर आप अच्छे से देखें तो हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी का प्रेजेंस बहुत अच्छा नंबर में है और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का भी प्रेजेंस बहुत अच्छा नंबर में है। तो मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। अभी वहाँ के जो आर्मी का इतना ह्यूज नंबर्स में है, उनको भी तो राशन चाहिए, उनको भी तो फल चाहिए, उनको सब्जी चाहिए, सब कुछ चाहिए उनको, उनको भी जीना है। तो अभी सिस्टम में क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो आर्मी का जो सप्लायर जो है, वो बाहर से आसाम से ही लेके यहाँ पे बिक्री करता है, और सब्जी भी आसाम में जाता है, अरुणाचल से ही जाते हैं, फिर वापस फिर अरुणाचल में ही आ जाता है वो, और डबल द प्राइस करके। तो इसको हम डायरेक्टली अभी मार्केटिंग जो बोर्ड को हमने कहा कि इसको आप थोड़ा चैनलाइज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्मी में अभी बहुत सारा लैंप्स जो है काम उठाया हुआ है, तो उन सारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके साथ में हमारा फार्मर्स और हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में टाई अप करके आर्मी का रिक्वायरमेंट का ऑलरेडी लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। उसको फर्दर अभी जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में देखा जाएगा तो कौन सा क्षेत्र में कौन सा चीज़ ज़्यादा हम लोग उगा पाएंगे, उसको भी हम लोग सरकार जो सीड्स में हो या और भी कुछ फैसिलिटी देना हो फार्मर्स और SHG को, हम लोग सरकार की ओर से दे के वो लोग कल्टिवेट करके फर्दर फिर जो प्रोडक्ट जो है उसको मार्केटिंग बोर्ड जो चैनलाइज करके थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्टर हम लोग आर्मी में देने का, ये हम लोगों का मीटिंग हो हाँ, चुका है आने मतलब वाला दिनों में। SHG जितने भी हैं उनको आप देंगे, SHGs एंड फार्मर्स, इंडिविजुअल फार्मर्स इंडिविजुअल ऑफ। फार्मर्स। और अगर हम आत्मनिर्भर बागवानी और कृषि जो है योजना जो इसकी अगर बात करें, तो हाल ही में देखा गया है कि बहुत लोग जो फार्मर्स, कई सारे फार्मर्स हैं, क्योंकि बैंक में जाए तो आपको ही पता होगा कि आप जब आप गारंटर मांगते हैं, स्कीम लोन है लेकिन सब्सिडी लोन है जिसमें गारंटर का डिमांड किया जाता है, तो इसमें कई सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनको काफ़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनके पास गारंटर नहीं है और ना उनके पास ज़मीन तो है लेकिन गारंटर नहीं है। तो अगर ज़मीन को, लेकिन वो गिरवी नहीं रख सकते क्योंकि कुछ हमारे यहाँ के जो अरुणाचल के जो लैंड लॉस है वो डिफरेंट है। तो अगर मिज़ोरम का जो, अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एक मिज़ोरम ही है जिसमें ये थोड़ा चेंज हुआ है, तो अगर स्पेशली मैं किसान के लिए आपसे जानना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह से कोई स्टेट का स्कीम या फिर सेंट्रल स्कीम आए तो क्या किसान को फुल बेनिफिट मिल पाएगा? दो योजना हमने शुरुआत किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और इस बार अभी प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन का स्टेज में पहुंच गया है, कृषि योजना और बागवानी योजना। इसमें ये बहुत यूनिक स्कीम है क्योंकि फ्रंट एंडेड सब्सिडी गवर्नमेंट 40% देता है और बैंक के थ्रू से 40% लोन का प्रोविजन है और 10% जो है फार्मर या अपना SHG का सेल्फ कंट्रीब्यूशन। अभी रिसेंटली जो हमने मंथली जो मैं डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करता हूँ प्रोग्रेस, उसमें अभी लास्ट मंथ का जो ई प्रगति मीटिंग में मैंने इस एजेंडा को भी डाला था कि इसका प्रोग्रेस का अचीवमेंट के लिए, और इस बार जो 36 स्टेटहुड डे हुआ तो 20 तारीख में हम लोग ने जितने भी जो एप्लीकेशन का जो पास हो गया उसका सब्सिडी और बैंक लोन भी हम लोग एक साथ रिलीज कर दिया और बहुत लोगों को मिला भी है। मगर रिव्यू के दौरान आपने जो प्रश्न जो पूछा है वो भले बहुत ही सही प्रश्न है कि रिव्यू का तौर पे हमको पता चला है कि 50% तक ही बैंक वाला लोग ने सेंक्शन किया जो अप्रूव्ड स्कीम को भी। तो तुरंत अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मैंने कहा कि बैंकिंग सेक्टर का तुरंत रिव्यू लेके, और ख़ास करके अरुणाचल प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का साथ में बैठ के ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने जो सेंक्शन करके रखा हुआ है और फ्रंट एंडेड सब्सिडी भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर चुका है, वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर जो है तुरंत लोन को डिस्पर्स करने के लिए ये ऑलरेडी निर्देश दे चुका है। अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर और लोगों को साथ में क्रेडिट फैसिलिटी जो CD रेशियो जो बोलते हैं वो पैरामीटर जो है हमारा काफ़ी कमज़ोर है। पहले का कंपेयर में तो इम्प्रूव तो काफ़ी हुआ है मगर हम लोगों को CD रेशियो में और भी हम लोगों को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी जो लैंड का जो आपने जो प्रश्न रखा, दैट प्लेस ए वेरी वाइटल रोल इन दिस, क्योंकि हमारा जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश का जो लैंड है एंड वी आर ऑल ट्राइबल्स, और ट्राइबल्स में बाहर के जो नॉन अरुणाचली नॉन APST यहाँ पे लैंड खरीद नहीं सकता है, और बाकी स्टेट्स में भी अभी वो तो एक जनरल सा एक है, बाकी का लोग भी आके दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन परचेज लैंड, दे कैन परचेज प्रॉपर्टी, मगर अरुणाचल में क्योंकि अपना ट्राइबल का सेंटिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग
नॉन एपीएसटी को हम लोग लैंड होल्डिंग यहाँ पे नहीं देता है। अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है दैट इज़ एलपीसी। एलपीसी को अभी बैंक का दर्जा देने के लिए ऑलरेडी हम लोग ने अपना अरुणाचल का जो लैंड एक्ट है, आई रिकॉल आई थिंक 3-4 ईयर्स बैक, आई आई थिंक 3-4 साल पहले ऑलरेडी अमेंडमेंट भी करके हम लोग ने रखा हुआ है कि जहाँ जहाँ बैंकिंग सेक्टर में एलपीसी जो प्रोड्यूस करेगा दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड रिकॉग्नाइज दैट एलपीसी ऑल्सो, ताकि वो एक मॉर्गेज रखने के लिए काम हो जाए मॉर्गेज और के उसमें लिए। लोन दिया जाए। तो इसके ऊपर भी अभी चीफ सेक्रेटरी को भी ब्रीफ किया है ताकि बैंकिंग सेक्टर के लोगों को भी इसका अच्छा से अवेयरनेस देने के लिए। यानी कि एलपीसी मॉर्गेज के तौर पर रख सकते हैं फार्मर्स जो हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप दौरे पे आए हैं और दाम्बुक फेस्टिवल अभी आप अटेंड करेंगे, तो अगर की फैक्टर अगर हम जाने हमारे स्टेट की जो टूरिज्म जो सेक्टर है, तो की फैक्टर क्या है आपके हिसाब से कि टूरिज्म को बूस्ट कराने के लिए जो की फैक्टर्स है वो क्या है? देखिए अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश तो काफ़ी एक वाइड स्प्रेड एक स्टेट है और हर एक रीजन का जो नेचुरल ब्यूटीज़ जो है वो अलग है और उसके ऊपर में अपना जो कलरफुल ट्राइब्स, डिफरेंट ट्राइब्स जो यहाँ पे बसे हुए हैं, तो सब ट्राइब का अपना अपना एक यूनिकनेस है। तो मैं आपका चैनल का माध्यम से पूरा अपना अरुणाचल का और ख़ास करके दी यंग एंटरप्रेनर्स जो टूरिज्म में इन्वेस्ट करने का जो रुचि रखता है उनको भी ये कहेंगे कि अपना ट्राइब्स का जो ओरिजिनलिटी को आप लोग बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली टूरिज्म इंडस्ट्री तो तभी ग्रोथ होगा जब अपना यहाँ के लोग अपना ही स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ही तो अभी कनेक्टिविटी क्षेत्र हम लोगों का स्टेट का डेवलप अभी हुआ है। डेवलप हो रहा है। ईस्टर्न साइड अभी बहुत अच्छा रोड बन गया है, आने वाला दिनों में अभी एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगा, सो अकॉर्डिंगली टूरिज्म भी अभी अरुणाचल में बहुत फ्लरिश होगा अभी। तो इसलिए अभी होटल्स, अच्छा होटल्स में इन्वेस्टमेंट करना है और ख़ास करके होम स्टेज में प्रमोट करना ये बहुत ही ज़रूरी है। फ्यूचर जो हमारा जो इकोनॉमी है अरुणाचल का वो टूरिज्म विल प्ले ए वेरी वाइटल रोल। तो हम बात कर रहे थे हमारे राज्य के सीएम श्री पेमा खांडू जी से। अभी सीएम जी ने हमें बताया कि किस तरह से एलपीसी को भी आप मॉर्गेज के तौर पर रख सकते हैं। स्पेशली हमने आज किसान किसान के वेलबिंग के लिए, उनके अच्छे के लिए हमने जो डिस्कशन किया, तो इनके बताया सर सीएम जी ने हमें बताया कि एलपीसी को जो है आप मॉर्गेज के तौर पर रख सकते हैं, जिसके लिए अभी बैंक के साथ चर्चा होगी। और टूरिज्म सेक्टर की सेक्टर पर भी हमने बात की, तो उसमें इनका कहना है कि हमें अपने ट्रेडिशन और कल्चर को बरकरार रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट जितना है वो हमें अपने स्टेट पे ही करना चाहिए। मैं रोशनी परिंग द स्पेस से लोअर दिबांग वैली रोइंग।